हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की रीडिंग में आज का टॉपिक है जिनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर रखा है, बात नहीं होती, क्या वो उससे बात करेंगे? तो आज की रीडिंग हमारी कैसी है कि जिन जो लोग अपने पार्टनर से बात नहीं कर पा रहे, उनकी कॉल का या उनके मिलने का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या है कि वो मिलेंगे, बात करेंगे, कब उनका इंतजार पूरा होगा? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये रीडिंग कलेक्टिव, टाइमलेस और मेल फीमेल दोनों के लिए है। सेम जेंडर भी है, जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप दूसरी रीडिंग पर जा सकते हो, लेकिन वीडियो देखने पर आपको क्लैरिटी मिलेगी और प्यारी प्यारी सी एक एडवाइस मिलेगी जो आप होपलेस होते हो और आपको समझ में छोड़ देते हो कैसे लाइफ को आगे अपने पार्टनर को कैसे मनाना है, कैसे वो लाइफ में आएंगे। इस तरह की मैं एडवाइस देती हूँ ताकि आप लोग खराब एनर्जी, सैड एनर्जी से निकल के एक हैप्पी एनर्जी में आए। चलिए शुरू करते हैं। थ्री ऑफ कप, टेन ऑफ कप, द हीरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, फोर ऑफ सोर्ड्स, फ्रेंड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ डेक, एट ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपके आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपके साथ बात नहीं करते और आप जानना चाहते हैं कि वो दोबारा आपको कांटेक्ट करेंगे या आपसे बात करेंगे या रिलेशन में पहले जैसी बात बनेंगी। तो सबसे मैं पहले बताती हूँ कि इस टाइम आप अपने पार्टनर को लेके बहुत उदास हो। ये आपकी एनर्जी है फ्रेंड्स, इतने उदास हो कि आप दिल के अच्छे हो, आप क्लैरिटी, आपको रिश्तों में क्लैरिटी चाहिए, लेकिन उस पर्सन ने आपको किसी चीज़ में कभी भी कोई बात करी, उसने क्लैरिटी नहीं दी, आपको इस एनर्जी में छोड़ के वो एक साइड हो गए। लेकिन आप लोगों की जो अटैचमेंट है वो दोनों की इमोशनली अटैचमेंट है। भले ही उन्होंने आपके साथ आपका फ़ोन काट देते हों या आपको मैसेज नहीं करते हों, कभी कभी बात करते हों, या हो सकता है पूरी तरह ब्लॉक मार के रखा हो, लेकिन मैं इतनी बात बता रही हूँ कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप साफ दिल के हो, आपको रिश्तों में क्लैरिटी चाहिए, हर बात को घुमा फिरा पसंद नहीं है। तो उन्होंने आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं दी, उसकी वजह कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है और उनका परिवार भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ फैमिली की बात आती है या थर्ड पार्टी की बात आती है तो कोई भी, चाहे पर्सन ही हो या शी हो, जो ज़्यादा किसी रिश्ते को सीरियस नहीं लेता वो प्रैक्टिकल होता है, और आप जैसे जो पर्सन होते हैं वो दिल पे ले लेते हैं। लेकिन आपका रिश्ता ख़राब जो हुआ है इसी वजह से हुआ है, इसी वजह से आप नो कांटेक्ट में हो, आपको रिश्तों में क्लैरिटी नहीं मिली। वो बंदा फाइनेंस को लेके भी पूरा सीरियस था। थर्ड पार्टी में तीन चीज़ें आती हैं, फैमिली, फाइनेंस और कोई क्रश। तो कुछ लोगों के जो पर्सन थे फाइनेंस को लेके भी सीरियस थे, लेकिन आज भी वो आपके दिमाग में, दिल दिमाग में पूरी तरह छाए हुए हैं। आप जब भी याद करते हैं उनको बहुत दिल से याद करते हो और आप मिस भी बहुत करते हो। आपने उनके दिल में, अगर आप उनको मिस करते हो तो आपने भी उनके दिल में कहीं ना कहीं उतनी नहीं तो जगह तो बना ही रखी है। हो सकता है कि आपका लव ज़्यादा है, लेकिन उस टाइम उस बंदे ने आपसे, आपको अनब्लॉक ब्लॉक करके सही नहीं किया। चाहे हो सकता है उसकी मजबूरी हो या फाइनेंस की दिक्कत हो, पर यहाँ फैमिली, क्रश और फाइनेंस दिखा रहे हैं।
फैमिली वालों के आगे वो झुक गया, उसको वो पर्सन जो है आपका इतना खराब नहीं है, लेकिन उसके फैमिली आप जितना आप उससे प्यार करते आप नहीं उनको छोड़ सकते, उतना ही वो अपनी फैमिली को लेके बहुत पजेसिव थे। आपका पार्टनर बहुत पजेसिव है अपनी फैमिली को लेके, जहाँ उसको लगता है कि आपका और उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ता, वहाँ ही वो पर्सन जो है घुटने टेक देता है। वो अपनी फैमिली को ना परेशान देख सकता है ना दुखी, हो सकता है फैमिली थोड़ी तेज हो लेकिन इस चीज़ को वो मानता नहीं। वो पर्सन ऐसा है कि परिवार को साथ लेके चलने वाला है, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन जो है फाइनेंस के चक्कर में ज़्यादा बिजी रहते थे, आप लोगों को टाइम नहीं दे पाते थे, दिमाग में मनी मनी मनी, तो इसलिए आप लोगों का भी रिश्ता खराब हुआ है। थर्ड कप ये बताता है कि थर्ड क्रश तो होगा ही होगा, लेकिन आपकी लाइफ में आगे कुछ अच्छा होने वाला भी है। आप चाहते हो कि वो आपको देखिए, मिस करते हैं जब भी, दस भले ही वो किसी ग्रुप में बैठते हैं या किसी में बैठते हैं, कहीं ना कहीं उनको आपकी कमी महसूस होती है। और मुझे लगता है ज़्यादातर लोग ऐसे थे कि जब वो आपकी लाइफ में आए, खाली आपने नहीं उन्होंने भी आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना का सोचा था। लेकिन फ्रेंड्स ये बॉटम ऑफ डेक बता रहा है कि आपके पार्टनर जो है सब कुछ देख के भी उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बना बांध रखी है, आज भी इसी एनर्जी में है और सोचते बहुत कुछ है, लेकिन जहाँ उनकी पेश नहीं चलती करते कुछ नहीं है। वो जब करेंगे नहीं तो कैसा होगा आने वाला टाइम, ये भी बता रहा है फ्रेंड्स कि धीरे धीरे वो चीज़ों को मैनेज करेंगे, क्योंकि अंदर से वो आपके साथ, कुछ लोगों के ज़्यादातर लोगों के पर्सन इमोशनल अटैच है, आपको आपसे बात भी करेंगे, चीज़ों को मैनेज भी करेंगे और रिश्ते को मैरिज तक भी लेके जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा वो फंसे हुए हैं, उनको चीज़ों को कंफ्यूज हो, परिवार को लेके आपको लेके दो चीज़ों में कंफ्यूज है, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं और आने वाले टाइम पे कुछ टाइम लगेगा, एक्शन भी लेंगे। लेकिन हमारी जो रीडिंग थी ये थी कि वो आपसे बात करेंगे, तो फ्रेंड्स वो बात करेंगे लेकिन अभी हाँ उनको टाइम लगेगा, क्योंकि आपके पर्सन जो है चीज़ों को मैनेज करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है जब वो आपके पास आएंगे आपसे बात करेंगे तो आपको जिन चीज़ों के पीछे आपका पहले उनके साथ आर्गुमेंट हुए वही चीज़ें फिर होगी, रिश्ता, क्लैरिटी, फाइनेंस, क्रश, वो सब बातें छिड़ेगी। तो अगर वो रिश्ते को, कोई भी पर्सन है जो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है तो वो रिश्ते को मेन मानता है, हैं उनके लिए रिश्ता इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए चीज़ें वो सुधार के आपके पास आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी वो इसी एनर्जी में है, इस चीज़ में उनको टाइम लगेगा। ये देखिए द स्टार का कार्ड यही बताता है, बैलेंस करने में लगे हुए हैं, सब कुछ अच्छा होना है यानी कि खराब होना है, लेकिन जो रिश्तेदार हैं, जो उनकी फैमिली के पर्सन हैं, वो उनको आपकी तरफ नहीं आने देते, उनके उनका ध्यान आपकी तरफ लगाना नहीं चाहते। और ये देखिए मैं तीन कार्ड निकालती हूँ, तीसरा कार्ड ये बता रहा है कि कप की एनर्जी है जहाँ वहाँ, कप की एनर्जी है जहाँ, तो वो आपके लिए आपको प्रपोज भी करेंगे, वो आपके ऊपर बात है कि आप मैरिज करना चाहते हो या लाइफ टाइम या लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। तो फ्रेंड्स आपके साथ ये कप का कार्ड बताता है वो इमोशनली अटैच है, आप लोगों के रिश्तों में गॉड की ब्लेसिंग है, ऐसी कोई बात नहीं है, पॉजिटिव कार्ड ज़्यादा आए हैं, नेगेटिव इतने नहीं आए, लेकिन चीज़ें इनबैलेंस हो रखी है, चीज़ें बैलेंस होने में वक्त लगेगा। ये कार्ड बताते हैं कि वो आपको अनब्लॉक कब करेंगे, कब बात करेंगे। तो चलिए अब निकालते हैं थोड़े से कार्ड, देखते हैं कब निकाल करते हैं वो। फ्रेंड्स आप लोग कहते हो कि पर्सन हमारा शी और जो शी हो, मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ, कि बात नहीं करते हैं। आप अपने दिल से पूछिए अगर वो आपके साथ बात करेंगे तो आपने क्या करना है। आप इस टाइम इतने दुखी हो, सैड एनर्जी में हो, आपने कुछ पीछे पुरानी बातें छेड़नी है, उसके बाद उनको फिर आर्गुमेंट हो जाना है और फिर ब्लॉक में
बात चले जानी है, तो इसलिए वो रिश्तों का नाम देना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें रिश्तों का नाम देना चाहते हैं, इसलिए चीज़ें बैलेंस करने में लगे हुए हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द डेथ का कार्ड, चलिए तीन कार्ड निकालते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल, फ्रेंड्स आपके मैंने तीन कार्ड निकाले हैं, ये तीनों कार्ड आए हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स, डेथ और नाइट ऑफ सोर्ड्स में। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं झूठी होप नहीं दूंगी आपको 2021 में। सेवन अप्रैल मई से लेके सितंबर अक्टूबर तक जो आपके पर्सन आपके साथ इमोशनल अटैच है और रिश्ते को आगे बनाना चाहते हैं, जिनके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई है, उनका कॉल तभी आएगा, उन दिनों में मतलब कॉल आएगा नेक्स्ट ईयर मार्च से लेके जुलाई अगस्त तक। तो तब तक आपने क्या करना है, उनके कॉल का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना, आज मैंने बता दिया आपको। आपने क्या करना है, अपनी डेली लाइफ, जब वो आपकी लाइफ में नहीं आए थे तो आपने उस तरह जीनी है, अपने लाइफ को चेंज करना है, कोई मन दुखी नहीं करना, धीरे धीरे वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जैसा मैं कहती हूँ, जब उनको याद करो, मैनिफेस्ट से याद करो, प्यार से याद करो, वो आपकी ज़िंदगी में एक अच्छे पल जो उनके साथ बताया आपने वो याद करने हैं। जब आप वो पल याद करते हो, मुस्कुराते हो, तो गॉड आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। रोना नहीं है उनको मिस करके, इंसान दुनिया से आपसे वो थोड़े टाइम के लिए दूर हुए हैं, वो भी टाइम था जब पाँच पाँच दस दस साल लोग जॉब करने के लिए बाहर जाते थे। अब तो फिर फ़ोन है तो फ़ोन के लिए दुखी क्यों होते हो, फिर आ जाएगा नेक्स्ट ईयर आपको आएगा फ़ोन। लेकिन आपको जैसे मैं बताती हूँ लाइफ आपको वैसे जीनी होगी, और आपके पर्सन का आपको कॉल ज़रूर आएगा और आपकी लाइफ बढ़िया चलेगी। ये कार्ड बहुत अच्छे आया है, अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखना। आज की रीडिंग थी यहाँ तक। अगर आपको पसंद आई हो तो कीजिए लाइक शेयर कमेंट, साथ में कीजिए चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब भी मैं डालूं एक नए से टॉपिक के साथ नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।